हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं ये एक चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर आजकल रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, कोई भी डिवाइस होता है, जैसे आप कहीं पेन ड्राइव होती है या कोई और होते हैं, जैसे SD कार्ड होते हैं, MEMC कार्ड होते हैं, तरह तरह के कार्ड्स होते हैं उस ज़माने में। अभी हमारे डेटा के लिए जो बहुत सारा इम्पोर्टेंट डेटा, हमारे बहुत सारे प्रियजनों के फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, उन फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग किस प्रकार से संभाल के रखें ताकि वो कभी डैमेज ना हो पाए, इसके लिए कौन सी अच्छी टेक्निक है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है दोस्तों, और ये तोशिबा कंपनी की है। और इस प्रकार की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं कितनी छोटी है। इस प्रकार की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर आप अपने पास लेकर के आएँ तो इसे आप अपने डेटा को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, और अपने कंप्यूटर से इस अपने जो भी डेटा है उसको बैकअप आप इसमें ले सकते हैं, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, सॉफ्टवेयर हो, CD एक दूसरा स्टोरेज मीडियम होता है दोस्तों, जहाँ पर लोग CD स्प्रिंट करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों, CD का क्या होता है, बहुत बार वो CD ख़राब हो जाती है, एक साल में दो साल में पेन ड्राइव वायरस लग जाता है या खराब हो जाता है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, एक टाइप का हार्ड डिस्क है जिसे हम एक कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को एक्सटर्नली कनेक्ट हम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, ये इसकी केबल आती है और यहाँ पे इसके कनेक्शन, ये देखिए, ये थ्रू आपको मैच करके यहाँ पे आपको इसका कनेक्शन देना है, फिर यहाँ इसका एक इंडिकेटर लगेगा और ये अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को USB के ज़रिए आपको कनेक्ट करनी होती है। दोस्तों, होता क्या है, इसमें लेटर्स जो डिस्क होते हैं, इस प्रकार के डिस्क लगे होते हैं अंदर, और इसकी कैपेसिटी लगभग 1 TB 1 TB लगभग इतनी कैपेसिटी इस डिस्क की होती है, जिसमें आप अपने बहुत सारे फोटोज़, वीडियोज़ या सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो आम इस्तेमाल में आपके होते हैं, उन सभी को आप स्टोर करके अच्छी तरह से रख सकते हैं दोस्तों। तो जानते हैं दोस्तों, इसकी प्राइस पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी मार्केट में लगभग 1 TB के लिए आपको 3.5 से 4 हज़ार रुपये तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें आप खर्च करने में ज़रा भी दिक्कत ना करें दोस्तों, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, और कोई भी अश्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आपको नहीं मिलेगा जिसमें से आप डेटा आपका जो है सिक्योर, या फोटो जो भी है वो सिक्योर रह सके दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें अगर कभी कभार इसमें से अगर कुछ सर्किट का इशू भी आ जाए तो सर्किट चेंज करके अपना जो डेटा है इसकी प्लेट्स के अंदर, लेटर्स जिसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत ही सिक्योर से तरीके से रह जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इसमें अपने डेटा का बैकअप आप कैसे ले सकते हैं और कैसे इस डेटा को स्टोर आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये देखिए, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये बैकअप नाउ EZ नाम का एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें से आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप ये जो सॉफ्टवेयर है, इस तोशिबा हार्ड डिस्क जो 1 TB की है, इसके साथ में मिलता है, अलग अलग हार्ड डिस्क के साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर आप मिल सकते, आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपको इस हार्ड डिस्क में ही मिल जाएगा, जिसमें से 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको एनी टाइम एक्सेस, इसमें क्लाउड के जरिए सर्वर्स के ऊपर आपका डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, ये एक ऑप्शन आपको मिलता है दोस्तों। इसमें ऑनलाइन स्टोरेज होती है, इसका मतलब आप बैकअप कराना होता है आपको, ये देखिए, इसमें फाइलर और फोल्डर का आप बैकअप कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे 3 नंबर का ये जो ऑप्शन है, इसमें आप अपना पूरा कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेटा लगता है दोस्तों, जैसे कि लगभग 700 GB तक का डेटा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के हर एक चीज़ जो आपके PC में है, उस सभी को यहाँ डिस्क कॉपी कर लेती है दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे सोर्स बटन क्लिक करके अपने जो कंप्यूटर के ये जो इसका डिटेल्स है, PC बैकअप जो है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉम्पैक्ट डिस्क मेरे पास है, CD मेरे पास है, तो मैं ये जो फाइल एंड फोल्डर बैकअप का ऑप्शन है 2 नंबर का, उसमें जाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस हार्ड डिस्क को इस USB केबल के ज़रिए आपको इस USB 3 मोड में यहाँ पे आपको बनाना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप लगाएंगे यहाँ पे ब्लिंकिंग हो जाएगी दोस्तों, लिंकिंग हो जाएगी, और इसके साथ ही आपका सॉफ्टवेयर का ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ये देखिए, जैसे ही मैं इस डिस्क को
यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो जॉब नेम फाइल फोल्डर बैकअप वॉज मिस्ड। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बैकअप नाम को क्लिक कर दिया है और इस डिवाइस में अपना जो बैकअप है, जो भी चेंजेस मैंने अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में किए हैं, उन सभी चेंजेस को एक जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क अभी कॉपी करेगी और इसमें ये जो डेटा है बैकअप के रूप में स्टोर रहेगा दोस्तों। और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, और इसके लिए आप अपना लॉन्ग टर्म जिसमें आप फोटोज वीडियो जो भी चाहें रख सकते हैं। 1 TB के हार्ड डिस्क लगभग 8-10 साल आपको भी चल सकती है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ होते हैं करते हैं तो उसमें जो है कैपेसिटर्स या सेमीकंडक्टर्स के बीच उसकी स्टोरेज होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे इस लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसी प्रकार की हार्ड डिस्क इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में होती है। इसके लिए मेरा तो ये मानना है या सुझाव है कि आप इस प्रकार से इस हार्ड डिस्क का चुनाव करके अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।